नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ ऑस्ट्रेलियन मंत्री टोनी वर्क बीच सिडनी में भेटवार्ता। ऑनलाइन संचार संबंधी निर्देशिका तत्काल सचिव नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा सरकार संग मांग। 3 वर्ष लंबा प्रयास के पश्चात सार्वजनिक खरीद एन संशोधन। धनुषा में अखन धरि 0.10% मात्र धान रोपायल। आ संविधान के विरुद्ध में अभिव्यक्ति देवे वाला आंदोलन के घोषणा करे वाला मंत्री सबके बर्खास्त कर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के संसद में मांग। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव ऑस्ट्रेलियन मंत्री टोनी बर्कर बीच सिडनी में भेटवार्ता भेल। भेटवार्ता भी नेपाल के समसामयिक राजनीतिक नेपाल के नया संविधान मधेसी आदिवासी जनजाति सम्मिलित संघीय गठबंधन के नेतृत्व में जारी आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में रहल नेपाली आप्रवासी के समस्या लगायत के विषय में दू पक्ष बीच छलफल भेल। सर सिडनी में भेल भेटवार्ता में पूर्व परराष्ट्र मंत्री यादव के स्वागत करते वर्क नेपाल के संविधान आ जारी आंदोलन के विषय में जिज्ञासा आ भेटवार्ता के विषय में व्यवस्थापन केने नेपाली संघीय समाज ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष गणेश तामाङ जानकारी कराने। इस आगू नेपाली संघीय समाज ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आयोजना केने अंतरक्रिया कार्यक्रम में सिडनी के सांसद सोफी कोर्टसिस आ कैटवरी के मेयर काले पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल यादव के स्वागत था सम्मान केने। नेपाली संघीय समाज ऑस्ट्रेलिया के निमंत्रणा में फोरम नेपाल के अध्यक्ष यादव सप्ताह लंबा भ्रमण के लिए गत शुक्र दिन ऑस्ट्रेलिया प्रस्थान केने। नेपाल पत्रकार महासंघ ऑनलाइन संचार माध्यम संबंधी निर्देशिका तत्काल सचिव सरकार संग मांग कलक। महासंघ मंगल दिन सूचना तथा संचार मंत्री शेरधन राय के ज्ञापन पत्र बुझा कर निर्देशिका के कतेको प्रावधान संविधान से प्रत्याभूत केने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ स्वतंत्र पत्रकारिता के मूल्य मान्यता विपरीत रहल कहित निर्देशिका तत्काल सचिव मांग कलक। महासंघक अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बिष्ट निर्देशिका में व्यवस्था कैल गेल आधिकारिक स्रोत नहीं भेल श्रम सृजना करे वाला किसिम के तथा भ्रम सृजना करे वाला किसिम के तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रतिकूल असर पारे वाला सामग्री प्रकाशन प्रसारण करे वाला ऑनलाइन संचार माध्यम अवरुद्ध कर सकबाक बुदा मीडिया के विकास के बाधा कर किसिम के भेल आरोप लगौने। ज्ञापन पत्र बुझैत सूचना तथा संचार मंत्री राय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कुंठित कर के सरकार के मनसाई नहीं रहल कहित निर्देशिका सचिव मंत्रालय तैयार रहल बतौलन। ओ निर्देशिका सचिवक लेल महासंघ के प्रतिनिधित्व होब जका कार्यदल गठन कैल जेबाक आश्वासन देलन। मंत्रालय ऑनलाइन संचार माध्यम के दर्ता नवीकरण संचालन आ अनुगमन के व्यवस्थित कर कहित अखार 5 गते ऑनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका 2073 जारी कयने छल। 3 वर्ष से लंबा प्रयास के बाद सार्वजनिक खरीद एन संशोधन भेल। व्यवस्थापिका संसद से सार्वजनिक खरीद पहिल संशोधन विधेयक मंगल दिन पारित कैल गेल। सरकार पूंजीगत बजट खर्च होब नहीं सकला के बाद 3 वर्ष आगुए सार्वजनिक खरीद एन संशोधन के प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ौने छल। मंत्री कर्मचारी व्यवसायी लगायत तक सब विकास निर्माण के काम तोकल गेल समय में पूरा नहीं भेनाई काम में गुणस्तर नहीं भेनाई लगायत के दोष एन के देव के निर्णय केने छल। प्राविधिक पक्ष के व्यवस्था कर सभे से कम मूल्य कबूल कर वाला कंपनी ठेका पैबाक जका सार्वजनिक खरीद पहल संशोधन विधेयक पारित भेल संगे अब आइंदा लागत अनुमान के 15% से कम रकम के प्रस्ताव करे वाला कंपनी प्रतिस्पर्धा से बहरात से निश्चित भेल। सार्वजनिक खरीद पहल संशोधन विधेयक पारित भेल दिन संसद में न्याय परिषद विधेयक पेश भेल। कानून मंत्री अग्नि प्रसाद खरेल विधेयक पेश कलने। ओ न्यायाधीश सबके नियुक्ति सरुआ भ्रष्टाचार के अभियोग में कार्यवाही लगायत के विषय के व्यवस्थित कर विधेयक पेश केने बतौलने। विधेयक में न्यायाधीश सब अपन आ परिवार के नाम में रहल संपत्ति विवरण आर्थिक वर्ष शुरू भेल 60 दिन भीतर बुझाव पड़वाक व्यवस्था कैल गेल।
सरकारी ढुकुटी से तलब सुविधा लेवे वाला कर्मचारी सुरक्षा कर्मी शिक्षक लगायत तक के संपत्ति विवरण बुझाव पड़वाक व्यवस्था रहल रहितु न्यायाधीश सब के छूट देल गेल छल। न्यायाधीश सब घूस खा के फैसला करबाक आबि रहल जन उपराग बढ़ला के बाद विधेयक में न्यायाधीश सब के सेहो संपत्ति विवरण पेश करा पड़वाक व्यवस्था कयल गेल अछि। मुदा न्यायाधीश सब के संपत्ति विवरण सार्वजनिक करक के बदला गोप्य राख के प्रस्ताव विधेयक में कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संविधान के विरुद्ध में अभिव्यक्ति देवे वाला तथा आंदोलन के घोषणा करे वाला मंत्री सब के बर्खास्त कर मांग कलक अछि। व्यवस्थापिका संसद के मंगल दिन बैसल बैसार में कांग्रेस के सांसद सब संविधान के कार्यान्वयन करा प्रभाक जिम्मेवारी बोकने मंत्रिये सब संविधान विपरीत अभिव्यक्ति द रहल आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कर रहल कहित छूट नहीं रहल कहित ओहन मंत्री सब के बर्खास्त करे के मांग कलक अछि। उप प्रधानमंत्री तथा शहरी विकास एवं गरीबी निवारण मंत्री चित्र बहादुर केसी के राष्ट्रीय जनमोर्चा संघीयता के विरोध में सावन महीना धैर्य के लेल आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने अछि। राप्रपा नेपाल के मंत्री सब गणतंत्र आ धर्म निरपेक्षता के विरोध में सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्ति दैत आयल अछि। कांग्रेस के सांसद सब संविधान के शपथ खेने मंत्री सब संविधान विपरीत अभिव्यक्ति देने तथा आंदोलन कर के छूट ओकरा सब के नहीं रहल कहित ओहन मंत्री की तह नैतिकता के आधार में पद त्याग करा पड़वाक आ नहीं तो ओकरा सब के प्रधानमंत्री बर्खास्त करा पड़वाक मांग कयने छल। कसैले कसैले चाहिँ संहिताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, कसैले समावेशी संहिताको विरुद्ध के अरे समानुपाती प्रणालीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने अनि संविधान कारण छ सभामध्ये। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मिलाउनु भएको छ, धेरै दललाई मिलाएर बहुमत प्राप्त गर्नुभएको छ। बहुमत हामीले बुझेसम्म यो सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो सभामध्ये। तर सरकार संविधान कानुन गर्ने त परे जाओस्, अरूलाई आरोप गराएर संविधानको विपरीत खुलै रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई आफ्नो चाहिँ मन्त्री परिषदमा समावेश गर्नुभएको छ। त्यही संविधान अन्तर्गत शपथ खाने मन्त्रीहरू संघीयता विरुद्धमा, गणतन्त्र विरुद्धमा र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा बोलेर हिँडेका छन्। यदि त्यो हो भने संसदमा तिनीहरूमाथि शपथ ग्रहण गरेकामाथि बर्खास्ती गर्नु पर्यो, नभए संविधानको शपथ ग्रहणको पालन गर्नु पर्यो। लगत्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा के सांसद दुर्गा पौडेल कांग्रेस के सांसद सब के जवाब घुरौने छली। ओ संविधान से फरक फरक विचार राखे वाला अधिकार सुनिश्चित कैल गेल आ वही अधिकार के प्रयोग स्वरूप अपन पार्टी संघीयता के विरोध में आंदोलन शुरू केने जवाब देने छली। कुन चीजलाई छुन पाइदैन जुन अपरिवर्तनीय छ त्यसलाई हामीले छोएका छैनौ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो मूलधार आफ्नो विचार संविधान भित्रको आफ्नो मतभेदलाई संविधानले दिएको त्यो दायरा भित्रै रहेर त्यो आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेको अवस्था हो, त्यसैले यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। बैसारमै सांसद सब द्वन्द्वग्रस्त देश अफगानिस्तानमै नेपाली कामदार सब अवैधानिक रूपमा पठाबवला मेन पावर कम्पनी उपर कार्यवाही के मांग केने छल। ओ सब मेन पावर कम्पनी सब पैसा के प्रलोभन में युवा सब के अफगानिस्तान पठाएबा जेका जघन्य अपराध केने कहित दोषी मेन पावर के कार्यवाही क युवा सब के अफगानिस्तान जाय से निरुत्साहित कर प्रभाग बतौने छल। ओ सब काबुल में जान गुमाउने मृतक के परिवार के क्षतिपूर्ति देवे सेहो मांग केने छल। लिगल भिजा दिँदैन र त्यसले कुन मेन पावरले पठाएको छ, सम्बन्धित मेन पावरको पनि छानबिन गरियोस् र ती दोषीहरूलाई कारवाही गरियोस् भन्ने माग राख्दछु। नेपाल सरकारले आफ्नो जनताको सुरक्षाको निम्ति ती चाहिँ मृतक परिवारहरूलाई क्षतिपूर्तिको निम्ति ती घाइते चाहिँ ती श्रमिकहरूको चाहिँ शीघ्र उपचारको निम्ति नेपाल सरकारले पहल गरोस्। अवैधानिक तवरबाट पनि त्यहाँ पुर्याइने अवस्था पाइएको छ, त्यसतर्फ पनि सरकारले कडाईको समस्या कडाईको साथमा अनुगमन गरी नियन्त्रणमा ल्याउनु आवश्यक छ। कुन कुन देशको स्थिति के छ त्यो जानकारी सरकारले लिएर पठाउन मिल्ने भए पनि अशान्ति मचिएको देशमा आन्तरिक रूपले विद्रोह भइरहेको देशमा हामीले युवाहरूलाई पठाउनु हुन्न। अफगानिस्तान के काबुल में सोम दिन भेल आत्मघाती बम आक्रमण में पीड़ित 13 गोटे नेपाली सुरक्षा गार्ड के मृत्यु भेल छल त 7 गोटे घायल भेल छल। घटना प्रति सांसद सब दुख व्यक्त कयलक अछि। हिंसाग्रस्त देश अफगानिस्तान में करीब 15,000 नेपाली कार्यरत रहल अनुमान अछि, जाहि मध्य 1,213 गोटे मात्र वैधानिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय आ कूटनीतिक नियोग में काम कर गेल वैदेशिक रोजगार विभाग जनौलक अछि। सरकार औपचारिक के कार्यक्रम क अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनौलक अछि। सरकार मंगल दिन काठमांडू के दरबार मार्ग में
योग अभ्यास के कार्यक्रम क का योग दिवस मनौलक बीच रोड्डे में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में हजारों हजार के सहभागिता छ। योग अभ्यास में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उप प्रधानमंत्री सब, मंत्री, सांसद, सचिव लगायत के उपस्थिति छ। नारायण हिटी संग्रहालय आगू के सड़क योग अभ्यास करा वाला सबसे भर गेल छल। योग अभ्यास के क्रम में दरबार मार्ग में सवारी आवागमन रोक दल गया। उप प्रधानमंत्री सब, मंत्री, सांसद, सचिव लगायत तक सब एक घंटा धर योग अभ्यास केने रहितो। प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य के कारण जनबित किछ अभ्यास में मात्र सहभागिता जनौने छल। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के प्रस्ताव में गत वर्ष जून 21 के दिन के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाब लागल। कार्यक्रम में योग मैराथन में विश्व कीर्तिमान करवला उत्तम मोक्तान के 51,000 रुपया सहित सम्मान कल गल। मोक्तान 2072 साल के पुष दु गते से 4 गते धर लगातार 50 घंटा 15 मिनट योग का कीर्तिमान कायम कने। पछिलका एक महीना से निरंतर पानी पड़ल रहितो धनुषा में अखन धर 0.10% मात्र धान रोपाई हो सकल। जिला कृषि विकास कार्यालय धनुषा बमोजिम धान खेती योग्य कुल 65,000 हेक्टर क्षेत्रफल मध्य 50 हेक्टर क्षेत्रफल में मात्र अखन धर धान खेती रोपाई हो पौने। जिला में 35,800 हेक्टर क्षेत्रफल धान खेती के लिए सिंचित क्षेत्र मानल जात। अखाड़ महीना लाग चुकल रही तो सिंचित क्षेत्रफल में समेत रोपाई होब नहीं सकल। कृषि विकास कार्यालय के सूचना अधिकारी सुरेंद्र गोइत सिंचित क्षेत्र में रोपाई होब नहीं सकल जनबित 61,000 हेक्टर क्षेत्रफल में प्रत्येक वर्ष धान लगाओल गेल में एखन धर 65 हेक्टर क्षेत्रफल में मात्र रोपाई होब सकल बतौलन। साल खास कर पानी के पर्याप्तता से धनुषा जिला में अभी भदैया धान के लगभग लगभग 50-60 हेक्टर तक भदैया धान रोपनी भ चुकल छे और वर्षे धान फटफुट सेहो रोपनी शुरू भल छे। अ जिला में खास कर धनुषा जिला में 4,000 हेक्टर में भदैया धान शुरू रोपाई होइ छे और 61,000 में वर्षे धान रोपनी होइ छे। विगत एक महीना से निरंतर वर्षा भ रहल अछि मुदा कृषि विकास कार्यालय के मानल जाए ते अखन धरि बीया तैयार होब नहीं सकल अछि मुदा मध्य तथा पश्चिमी धनुषा के अधिकांश खेत में रोपाई भ चुकल अछि त बाकी रहल धान खेती योग्य जगह रोपाई के अंतिम तैयारी में रहल बताओल गेल अछि। कार्यालय एहि वर्ष निरंतर वर्षा भेला पर धान रोपाई होयबाक क्षेत्रफल में वृद्धि भक उत्पादन में समेत वृद्धि होबाक अनुमान कैलक। धनुषा के मिथिला नगर पालिका अंतर्गत के बेंगा डाबर सहित लगपास के 4 वार्ड खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कैल गेल। धनुषा के बढ़हरी बाजार में एक समारोह के आयोजना का गावि स्तरीय सरसफाई समिति के संयोजक जोगिंदर महतो खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कैलक। सांसद समेत रहल एमाने नेता शत्रुधन महतो, खाने पानी तथा सरसफाई डिवीजन कार्यालय के प्रमुख दशई मंडल आ जीविस धनुषा प्रशासकीय अधिकृत विजय यादव तथा यूएन हैबिटेट के विनोद शर्मा के विशेष उपस्थिति में मिथिला नगर पालिका के वार्ड नंबर 6, 7, 8 आ 9 खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कैल गेल। जमा 2,326 घर धुरी रहल 4 वार्ड के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण कैल गेल आ वही कारण से घोषणा कैल गेल। घोषणा समारोह में दावी कैल गेल। ओहि अवसर में प्रमुख अतिथि शत्रुधन महतो सहित अतिथि से विजय यादव, दशई मंडल, विनोद शर्मा, तुलसा घिमिरे लगायत तक सब के सम्मान कैल गेल। चालू आर्थिक वर्ष में भेल वा भ रहल विकास निर्माण के काम संबंध में जनकपुर उप महानगर पालिका के कार्यकारी अधिकृत पुण्य प्रसाद लुटेल संग जानकारी मांग कैल गेल। अखाड़ महीना समाप्त होब लगला पर नगर पालिका के बजट सेहो समाप्त होयत कि नहीं होयत कहिक एत के विकास निर्माण के काम सब किछ योजना सब स्वीकृत भेल आ काम नहीं भ रहल अवस्था में जानकारी मांग कैल गेल। नेपाल सद्भावना पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोकनि ओहन जानकारी नगर पालिका उप महानगर पालिका के प्रमुख लुटेल संग मांग कैलक। नेपाल सद्भावना पार्टी के महासचिव राजीव झा के नेतृत्व में गेल टोली में पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश दास, उपाध्यक्ष मनीष चौधरी, जिला सचिव शिलाकांत झा, सचिव झा, नेपाल युवा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रोशन सिंह सहितक नेता सबके उपस्थिति छल। सर्वप्रथम सामाजिक परीक्षण तेकर बाद मात्र लेखा परीक्षण करा पड़बाक शैक्षिक नीति रहल रहितु
जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय छ बिना सामाजिक परीक्षण धमाधम लेखा परीक्षण करके परम्परा छ। मुदा शैक्षिक गुणस्तर सुधारके लेल धनसामे कार्यरत गैर सरकारी संस्था जनचेतना अभियान नेपाल प्याक नेपालके सक्रियतामे धनसाके किछ विद्यालय सब सामाजिक परीक्षणके संस्कारके विकासमे जुटि गेल छ। दलितके बाल बच्चासँ पढ़ावला धनसाके बनिगममा स्थित दिवस दीप दलित प्राथमिक विद्यालयमे अभिभावक शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ आ आमा समूह के सहभागितामे सामाजिक परीक्षण भ रहल समय धनसे के जनता निमावी बनिगम्मा गुरुकुल प्रावी बनिगम्मा प्रावी भगवती भगवतीपुर आ प्रावी निकाल सँ ओतेक संख्या में गेल समूह सब अवलोकन आ निरीक्षण कयने छल। दलित प्रावी के सामाजिक परीक्षण सँ प्रभावित भेल सहभागी अन्य विद्यालय के समूह आ विद्यार्थी अभिभावक सब सेहो जवाबदेहिता के लेल स्वयं सब सेहो जल्दीए सामाजिक परीक्षण करबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयने छल। जनता निमावी के प्रवास सुनीता यादव जवाबदेहिता के लेल सामाजिक परीक्षण उत्तम संस्कार रहल बतौने छली। दिवसदीप प्रावी के राजकिशोर यादव स्वयं विद्यालय के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक आ प्रशासनिक पक्ष के विषय में जानकारी कराब रहल समय विद्यालय के विद्यार्थी अभिभावक सब पाठ्य पुस्तक आ छात्रवृत्ति समय में नहीं उपलब्ध कराओल गेल जिज्ञासा रखने छल। साथ ही खाने पानी आ शौचालय के संबंध में सेहो चर्चा परिचर्चा कयल गेल छल। सोही क्रम में अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति के दिस से दलित महिला मालो देवी महरा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आ छात्रवृत्ति समय में नई औनाई में प्रधान अध्यापक मात्र नहीं भा जिला शिक्षा कार्यालय समेत दोषी रहल उपराग सुनौने छे। सामाजिक परीक्षण के क्रम में प्याक नेपाल के प्रतिनिधि सब प्रत्येक वर्ष कमती में 4 बेर शिक्षक अभिभावक संघ के भेला होब प्रभाग आ 6 बेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति के बैसार होब प्रभाग प्रावधान अनुरूप ओहन काज सब भ रहल कि नहीं भ रहल कह के विद्यार्थी सब के प्रश्न कयने छल। सामाजिक परीक्षण सँ पारदर्शिता उत्तरदायी जिम्मेवारी बोध होयबाक भेला सँ ओहन क्रियाकलाप कयल गेल प्याक नेपाल के कार्यकारी निर्देशक सुनील यादव बतौलन। अखार लगला के बाद प्रत्येक वर्ष नेपाल में विकास निर्माण के काज रफ्तार पकड़ित है मुदा वह समय में आयल बाढ़ आ निरंतर के बरसात से काज पूरा नहीं होत 50% से बेसी रकम फ्रीज होत आयल। अखार के विकास निर्माण के कारण सेहो मध्य तथा पूर्वी मधेशक जिला सब प्रत्येक वर्ष करोड़ों के बजट प्रभाव विहीन बनित है। जनकपुरक सर्वसाधारण सब से पूछने छलौ निरंतर के वर्षा पड़ला से विकास निर्माण के काज में केहन प्रभाव पड़त अहाँक बात जहिनाक तहिना। पहले काम होबे के चाही जे है अपने के अभी नाले के रोडे के है तो ये सब जे है सुखरुख में होबे के चाही। अब हिसाब से मान ले जाओ ना ये नाला साफ भेल है अब एक धसना गिरल कतौ कुछ भेल है तो ये सब एक्सीडेंट होए के बेसी चांस होइ छै सबसे की विकास निर्माण के स्टेडियम में प्रभाव तो पड़बे करते। जनकपुर के प्राय जतेक भी खास कर जे मेन रोड से गली वाला रोड तो कनी बचलो छै लेकिन मेन रोड सब के स्थिति एकदम बदतर छै से सब आदमी बुझै छियै हमरा सब आदमी के ज्ञानतव्य है लेकिन अइ में ई पानी आरो जे छै से ज्यादा कनी बाधा व्यवधान पहुँचलकै यऽ लेकिन अब खाने मुखलाई जुंगा ले सकदन नेपाली में उखान छै तऽ तै दुआरे अगर सही तरीका से संयमित रूप से अगर कैल जाए किस प्लानिंग के तहत सही काज कैल जा सके से हमर विचार अवरुद्ध आ रहल है कैला तऽ मौसम अपने के कोनो पानी पड़ गेल लगातार आ फिर 4 दिन पानी उबेर भेल तऽ कामो करय में ठीक रहल आ ताहि के बाद में खेतियों पाती वाला सबके ठीक रहल है ना अखन तऽ एहन पानी पड़ रहल है कि विशेष आवश्यकता है आ जो काम होत रहल तो ओकरा जे है मतलब गड़बड़ा देलक पानी सबके विशेष अथी के कारण मतलब एक रूपका ढंग से कोनो काम ठोस जी का भी नहीं रहा के विकास निर्माण के कार्य में अवरुद्ध भ रहा है और कार्य जो है अवस्था जो अपने के जो डेट जो दिल गया है 20 गते या 25 गते के लिए लास्ट टाइम वही में बहुत बाधा व्यवधान भ रहा है और कार्य प्रगति में कार्य जैठाम भ रहा है वहीठाम के घटना के अवस्था देखल जाते तो पूरा की कहे जो पानी से दहाय वाला अवस्था सेहनो बन रहा है और जगह जगह से मतलब समय के अवरुद्ध से भ रहा है और घटना परिघटना से भ रहा है जो मतलब काज भ गेल छै लेकिन वो चीज सब बहाय के दहाय के अवस्था में बन चुकल छै एक आ दोसर जैठाम काज भ रहा है खनाय वाला काज सब भेलै वहीठाम थाल हिलो सब होबे के कारण और वर्षा के कारण से भी मतलब उस चीज के पूरा नहीं कल जा सकल। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में तालिबान के आक्रमण में मृत्यु भेल आ घायल भेल नेपाली सब के स्वदेश लाभ के लेल सरकार हवाई जहाज पठाओत। परराष्ट्र मंत्री कमल थापा सब लाभ जहाज पठेबाक तैयारी भ रहल जानकारी देलने छै।
मंत्री थापा ट्विटर में लिखने से अफगानिस्तान में आतंककारी हमला में निधन भेल नेपाली सब के सब आ घायल सब के लाभ के लिए सरकार नेपाल से हवाई जहाज पठाओ। सोम दिन काबुल में नेपाली सुरक्षा गार्ड सवार मिनी बस में आत्मघाती आक्रमण भेला पर 13 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल नेपाल सरकार जनौलक। महोतरी के सहसौला में लोकल मदिरा पीने 5 गोटे के मृत्यु भेला के बाद लोकल मदिरा नियंत्रण कर पुलिस सब आब सक्रिय भेल। शनि दिन आ रवि दिन मात्र लोकल मदिरा दोकान आ भट्टी सब में छापामारी का 4200 लीटर मदिरा बनाब वाला कच्चा पदार्थ आ 835 लीटर मदिरा पुलिस नियंत्रण में लग नष्ट कैने प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराय जानकारी कराने। ओहि परिणाम के मदिरा तथा बनाब वाला प्रयोग कैल जाए वाला कच्चा पदार्थ जिला के धर्मपुर मठियानी सरपल्लो आ गोनरपुरा गाविस से पुलिस नियंत्रण में लेकर नष्ट कैने जनौलक। लोकल मदिरा नियंत्रण कर तथा बैसाख से पुलिस 37 भट्टी से 4655 लीटर मदिरा तथा 20265 लीटर बनाब वाला कच्चा पदार्थ नष्ट कैने अस्तर लोकल मदिरा नियंत्रण कर अभियान चलौने। वही अभियान अंतर्गत जिला माथत के सब प्रहरी चौकी सब में लोकल मदिरा नियंत्रण कर सर्कुलर जारी कैल गेल आ वही अनुरूप दैनिक रूप में 1000 से बेसी लीटर के परिणाम में मदिरा कच्चा पदार्थ नष्ट कर के काज भ रहा प्रहरी उपरीक्षक भट्टराय जानकारी कराने। व्यवस्थापिका संसद सब बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी कानून बाफिया में संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक अर्थ समिति में फिरता पठौलक। नेपाल राष्ट्र बैंक से अवकाश प्राप्त सब बैंकर सब विधेयक पर अर्थ समिति तैयार करने प्रतिवेदन अनुसार कानून बनत तो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त होबाक चेतावनी दिला के बाद संसद सरकार के प्रस्ताव में विधेयक के समिति में फिरता पठौलक। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल बैंक के संचालक अध्यक्ष के पदावधि संस्थापक शेयर परिवर्तन लगायत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता राष्ट्रीय आवश्यकता अनुकूल होबे वाला प्रावधान तर्जुमा करा प्रभा कहित बाफिया संबंधी प्रतिवेदन अर्थ समिति में फिरता पठाब प्रस्ताव कलन। का संचालक प्रबंध संचालक र अध्यक्ष को पदावधि एवं योग्यता का संबंध में प्रचलित कानून अंतर्राष्ट्रीय मान्यता र राष्ट्रीय आवश्यकता अनुकूल के स्वार्थ अनुसार विधेयक ऊपर प्रतिवेदन तैयार कने छल। बैंक के संचालक तथा अध्यक्ष के कार्यकाल नैतो का वाला संस्थापक शेयर 7 वर्ष में साधारण शेयर में परिणत कर पाव वाला आ वही के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के स्वीकृति लेब नहीं पड़े वाला प्रावधान जका अर्थ समिति संसद में प्रतिवेदन पेश कला के बाद चौतरफी विरोध भेल छल। विधेयक में बैंक तथा वित्तीय संस्था में सुशासन कायम कर कहित संचालक सब दू कार्यकाल से बेसी पद में बैस नहीं पेबाक अन्य संस्था में 50% लगानी भेल व्यक्ति बैंक के संचालक बन नहीं पेबाक व्यवस्था कैल गेल में समिति उव्यवस्था इच्छा राजतामांग उमेश श्रेष्ठ उदय नेपाली श्रेष्ठ वीरेन्द्र महतो लगायत के बैंक संचालक सांसद सब के स्वार्थ अनुसार हटा कर प्रतिवेदन तैयार कने छल। सरकार आगामी अगहन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कर जका संविधान कार्यान्वयन के कार्य योजना व्यवस्थापिका संसद में पेश कने में पूर्व स्थानीय विकास मंत्री तथा पूर्व स्थानीय विकास सचिव सब अगहन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कोनो हालत में संभव नहीं होबाक बतौने छथि। व्यवस्थापिका संसद के विकास समिति के मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में पूर्व स्थानीय विकास मंत्री तथा पूर्व स्थानीय विकास सचिव सब स्थानीय तह के सीमाना संख्या संरचना यकीन होब बाकी रहल अवस्था में अगहन महीना में निर्वाचन कर संभव नहीं होबाक दावी कने छथि। प्रमुख सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के स्थायी समिति के सदस्य समेत रहल पूर्व स्थानीय विकास मंत्री किरण गुरुंग संविधान स्थानीय तह के कल्पना कने अवस्था में छोट समय के लिए स्थानीय निकाय के निर्वाचन कर नहीं होबाक आघन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कर समय बहुत अपुग होबाक बतौलिया छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन हामीले अब छिटो आयोगले छिटो रिपोर्ट दिने हो भने नयाँ हिसाबले हामीले निर्वाचन गर्न सक्छौँ दुवै संविधानमा उल्लेख छ। मलाई लाग्छ अब पुरानो जो मर्दैछ जो सड्दैछ जो समाप्त हुँदैछ त्यसको आधारमा चुनाव अब गर्नको कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बैसार में पूर्व स्थानीय विकास मंत्री उर्मिला अर्याल से हो गुरुंग के कह प्रति समर्थन जनबैत सीमा संख्या लगायत के विषय किटान होब आ कानून बनाब बाकी रहल अवस्था में अगहन महीना में निर्वाचन करब वाला बात सस्ता प्रचारबाजी मात्र भेल बतौने छल।
बैसारमें सहसचिव के रूप में स्थानीय विकास मंत्रालय में लमहर समय काम कने सूचना तथा संचार सचिव दिनेश कुमार थपलिया अगहन महीना में निर्वाचन करक लेल भादो महीना भीतर सब पूर्वाधार तैयार होब प्रभाग मुदा अखन के काम कराई से पूर्वाधार तैयार होब के संभावना नहीं देखल जा रहा बतौने छल। अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले पेश गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको संशोधन भित्रै बसेर नयाँ स्थानीय तहका सरकारको चुनाव गर्न सकिँदैन। बैसारमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर गठित आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारण असंख्या किटानको काम बहुतै जटिल रहल कहित सरकार चाहने जका प्रतिवेदन जल्दी जल्दी तयार गर बहुतै चुनौती रहल बतौलनि। आयोगको म्याद फागुन महिना धरिक लेल तोकल गेल छ। व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समिति कर्मचारी सबके भर्खरे कयल गेल सरुवा सम्बन्धी विवरण एक सप्ताह भीतर उपलब्ध कराव गृह स्थानीय विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक। समिति मंगल दिन गृहमंत्री शक्ति बस्नेत तथा सामान्य प्रशासन मंत्री रेखा शर्मा आ स्थानीय विकास राज्य मंत्री कुंती कुमार शाही के बजाक छलफल का पछिल्का समय में कैल गेल सरुआ के विवरण एक सप्ताह भीतर उपलब्ध कराव गृह स्थानीय विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक। गृह मंत्रालय गत जेठ 18 गते 15 जिला के सीडीओ सहित मंत्रालय माथत के कार्यालय के 51 गोटे अधिकृत सबके सरुआ केने छल। तहिना स्थानीय विकास मंत्रालय 21 गोटे स्थानीय विकास अधिकारी आ 22 गोटे अधिकृत सबके सरुआ केने छल। दुनू मंत्रालय सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सहमति बेगर सरुआ कला के कारण समिति सरुआ कैल गेल कर्मचारी के विवरण मांग कलक। समिति सरुआ आ काज के संबंध में निजामती सेवा एन आ नियमावली में कर प्रभाग सुधार संबंधी विषय लिखित रूप में उपलब्ध कराब से निर्देशन दिलक। सरुवा एवं का सम्बन्धमा विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधार एवं परिमार्जनका विषयहरू लिखित रूपमा 7 दिनभित्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन सँगै मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समिति निर्देश गर्दछ। 2 सँगै मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट हालै गरिएको सरुवा एवं काजको विस्तृत विवरण समितिमा 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बैसार में समिति के सदस्य लोकन मंत्री सब अपना इच्छा से कर्मचारी सरवा कर के काम बढ़ गला के कारण निजामती प्रशासन में काम कर से बेसी निक निकाय में जाए के लिए चाकरी कर के प्रवृत्ति बढ़ गेल बतौने छल। वो सब निश्चित अवधि पूरा नहीं होब धरि सरवा कर नहीं पाउत आ सरवा कर पड़बाक अवस्था आयत त कारण सार्वजनिक कर वाला व्यवस्था कर पड़बाक बतौलन। कसरी चाहिँ गर्ने निजामती कर्मचारीले हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ? कसरी हामी चाहिँ गरेर यो देशमा चाहिँ गरेर निजाम ब्युरोक्रेटले बोलियो बनाएर देशलाई अगाडि सार्ने भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ? मन्त्री भनेका कुरा त आज आउँछन् भोलि जान्छन्। देश चलाउने भएको त ब्युरोक्रेट्सहरूले हो नि। यो कुरालाई हामीले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। त्यसका लागि कुनै कानुनमा त्रुटिहरू छ भने त्यो त्रुटिहरूलाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। अब पनि यो देशमा चाहिने गरेर हिजो पनि यस्तो थियो, भोलि पनि यस्तै हुन्छ भन्ने हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि त कहिले पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। सत्ता कसरी परिवर्तन हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्ने कुरामा कर्मचारीहरू लाग्नुपर्ने परिस्थिति पनि लेखिएको छ। म यो काम गरेर यहाँ पुग्छु भन्ने चाहिँ प्लान बनाएर म जनतालाई सर्भिस दिन्छु भन्ने भन्दा पनि कसको सरकार आउँदैछ, कुन राजनीति दल अगाडि आउँदैछ भन्ने बैसारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा राजपत्र अंकित कर्मचारी के सरुवा केला पर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय के सहमति लेब नै पर्बाक व्यवस्था गर लागल जानकारी गराउने छले। अब स्पोर्ट्स न्यूज। धनुषाक जमुनी निवासमै आयोजित फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि महतरी मायस्थान के भवसी क्लब जितने छ। आयोजक जमुनी बास युवा क्लब ए के एक गोल से पराजित करत भवसी नगद 20,551 रुपया सहित मेडल जितलक। उपविजेता टीम नगद 10,551 में चित बुझाव बाध्य भेल। कुल 13 टीम के सहभागिता रहल प्रतियोगिता के फाइनल स्पर्धा एकदमे रोमांचक रहल बताओल गेल छ। भवसी के 17 नंबर जर्सी से खेलने खिलाड़ी राजू बिक खेल के अंतिम समय में केने एकमात्र गोल भवसी क्लब के लेल जीत के कारण बनल। विजेता टीम के धनुषा क्षेत्र नंबर 7 के सांसद शत्रुधन महतो पुरस्कार तथा ट्रॉफी वितरण केने छल। गत 25 गते से शुरू भेल खेल अवधि भर रोशन लामा, सरोज राय, ध्वनि मगर आ इंसान लामा एम्पायर के रूप में भूमिका निर्वाह कने
आयोजक क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार राय जानकारी कराने सहित। भारत आ जिम्बाब्वे बीच जारी रहल तीनटा T20 मैच के सीरीज अंतर्गत दोसर मैच भारत 10 विकेट से जीतल। जिम्बाब्वे टूर में रहल भारतीय टीम सोम दिन संपन्न भेल दोसर मैच में घरेलू टीम जिम्बाब्वे के 41 बॉल बाकी रहल समय 10 विकेट से हराने छल। नेपाली समयानुसार साँझ में 4:45 में जिम्बाब्वे के हरारे स्टेडियम में टॉस जीत के पहले बैटिंग कने जिम्बाब्वे निर्धारित ओवर में 9 विकेट के क्षति में 99 रन बनाने छल। जवाफी मैदान में उतरल भारतीय टीम लोकेश राहुल आ मनदीप सिंह क्रमश 47 आ 52 रन बनबित टीम के जीत दियाब सफल भेल छल। रविंदर सेरान 4, जसप्रीत बरमरा 3 विकेट लेने छलै। भारत तीनटा मैच के सीरीज में 1-1 के बराबरी कलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ऑस्ट्रेलियन मंत्री टोनी वर्क बीच सिडनी में भेटवार्ता। ऑनलाइन संचार माध्यम संबंधी निर्देशिका तत्काल सचिव नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा सरकार संग मांग। 3 वर्ष के लंबा प्रयास पश्चात सार्वजनिक खरीद एन संशोधन। धनसा में एखन धरि 0.10% मात्र धान रोपायल। आ संविधानक विरुद्ध में अभिव्यक्ति देवे वाला आंदोलन के घोषणा करे वाला मंत्री सब के बर्खास्त करे प्रभाग। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस द्वारा संसद में मांग। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।